वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पार्ट 4, न्यू टॉपिक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुन, पहली सीज अ बोर विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। तो पहली ने बोर्ड देखा तो उसके ऊपर क्या लिखा था? पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो भी प्लेस है, जो भी स्तर है, उसमें क्या लॉ होता है कि कोई भी आप एनिमल्स को आप किलिंग और कैप्चरिंग करते हो तो वो वहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल भी है, तो वो लॉ ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट यानी वो भी आरक्षित वन, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो भी वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रह रहे हैं, जो उसका कंडीशन कैसी है, सुटेबल है रहने की कंडीशन सुटेबल है एंड उसका प्रोटेक्शन भी अच्छी तरीके होता है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड एक्सेट्रा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी पीपल रह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है जो अलाउड है? ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड है, तो वो सब उसके लिए सिर्फ अलाउड है। सम ऑफ द थ्रेटनेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, व्हाइट आई बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेयर डग, ग्वारियल, मास, क्रोकोडाइल, पाइथन, रिवन, सीरोस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब वाइल्ड एनिमल्स है जो हमने सभी नाम देख लिए, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका क्या प्रोटेक्टेड भी होता है, उसका प्रिजर्व यानी उसका संरक्षण भी होता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप। इंडियन सेंचुरी क्या है? यूनिक लैंडस्केप है। यह ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बस लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। तो वो सब क्या है? इंडियन सेंचुरी है जो यूनिक लैंडस्केप है। इट इज पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एंक्रोच अपॉन डैम एंड डिस्ट्रॉय डैम। तो वो जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी नेबरहुड पीपल यानी जो भी हमारे जो पड़ोस वाले जो पीपल रह रहे हैं तो वो उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। तो चिल्ड्रन लोगों ने क्या याद दिलाया? जू में विजिट की उसने याद दिलाया। दे रिकॉल दैट जूस आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो क्या रिकॉल किया कि जू है जो ऐसा प्लेस है वहाँ पे भी एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है। एक्टिविटी 7.7 विजिट अ नियर बाई जू। जू का आपके पास जो भी जू है उसका विजिट करना है। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइड टू एन एनिमल्स वेयर दे आर सुटेबल फॉर द एनिमल्स। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो भी एनिमल्स वहाँ है तो उसका कौन सी कंडीशन प्रोवाइड होती है और वो कंडीशन में वो एनिमल्स है वो सुटेबल है
Can animals live in artificial setting instead of their natural habitat? In your opinion, will the animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat? तो आपका ओपिनियन के हिसाब से क्या है कि एनिमल जो लोग हैं वो जू में कंफर्टेबल है और उसकी जो नेचुरल हैबिट है वो भी वहाँ पे कंफर्टेबल है, यानी इसका जावा से नेचुरल वो भी वहाँ पे कंफर्टेबल है जू में। न्यू टॉपिक, नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटर्न सातपुड़ा नेशनल पार्क। तो रोड साइड पे दूसरा अनदर बोर्ड था, उस पर क्या लिखा था, सातपुड़ा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देर। तो चिल्ड्रन लोग वहाँ जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी ने क्या कहा कि जो इकोसिस्टम पूरी सेट है तो वो काफ़ी क्या है, आरक्षित करने के लिए जो लार्ज है डाइवर्स है तो वो ही इनफ है, वही इसलिए उसका पूरी इकोसिस्टम का वहाँ पे संरक्षण हो जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोटेक्ट हो जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। तो वो किसका संरक्षण करते हैं वो एरिया में, फ्लोरा का फौना का, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। सातपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सातपुड़ा नेशनल पार्क है वो क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टिक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट में हमको क्या मिलता है, सागौन मिलता है, यानी सागौन की जो ट्रीज होती है ट्रीज फॉरेस्ट में हमको मिलती है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क होंगे, मोर देन 100 नेशनल पार्क इंडिया में होंगे। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सातपुड़ा नेशनल पार्क। सातपुड़ा नेशनल पार्क में हमको क्या मिलता है, रॉक शेल्टर मिलता है। दिस आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स, दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ प्रिमिटिव पीपल। तो वहाँ पे इस जंगल में क्या क्या एविडेंस होता है, जो प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन लाइफ है तो वो सब वहाँ एविडेंस वहाँ पे मिल जाते हैं, एंड जो प्रिमिटिव पीपल आइडिया ऑफ द लाइफ है वहाँ पे वो गिव होती है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर। तो उस शेल्टर में हमको क्या मिलता है, जो रॉक पेंटिंग होती है वो वहाँ मिल जाती है। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कितने रॉक शेल्टर, टोटल 55 रॉक शेल्टर आइडेंटिफाइड हुई। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग हंटिंग डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डेपिसिटेड इन दिस पेंटिंग में ट्रिबल स्टिल लिव इन दिस एरिया। तो वहाँ पे किसकी इसकी पेंटिंग की कैसे, फिगर्स ऑफ द एनिमल्स की, मैन फाइटिंग की, हंटिंग की, डांसिंग की, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो सारी फिगर वहाँ पे थी, एंड वो एरिया में कौन लोग रह रहे हैं, ट्रिबल्स वहाँ पे रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बर्ड विद सातपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट। तो चिल्ड्रन लोग आगे मूव हुए तो उन लोगों ने क्या देखा, बॉल देखा, बॉल पे क्या लिखा हुआ था, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री।
तो हमारी कंट्री में जो भी टाइगर है तो उसका प्रोटेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी कंट्री में टाइगर का पॉपुलेशन को क्या करना, सर्वाइव करना एंड मेंटेनेंस करना। तो वो ही मेन, ये प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। टाइगर फिगर नंबर 7.4 इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज। तो टाइगर जो है वो उन जाति में से एक है विच आर स्लोली डिस अपेयरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। तो हमारे फॉरेस्ट में से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका नष्ट हो रहा है, वो लोग गायब हो रहे हैं, मिटने लगे हैं। बट द सातपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव बीन सीन देयर। तो वहाँ पे सातपुरा टाइगर रिजर्व की यूनिक क्या है, तो वहाँ पे जो टाइगर लोग है तो वो वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्या है, इंक्रीज ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं सातपुरा टाइगर रिजर्व में, उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज है टाइगर की। वंस अपन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन एलिफेंट्स वाइल्ड बफेलोस फिगर नंबर 7.5 एंड बारा सिंगा फिगर नंबर 7.6 वर ऑल्सो फाउंड इन द सातपुरा नेशनल पार्क। तो सातपुरा नेशनल पार्क में हमको क्या क्या मिलता है देखने को, कौन से एनिमल्स मिल जाते हैं, लायंस एलिफेंट वाइल्ड बफेलोस एंड बारहसिंगा जो है वो सातपुरा नेशनल पार्क में हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 7.4 टाइगर, ये टाइगर की फिगर आप देख सकते हो। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डाइमेंसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स है, नंबर ऑफ द एनिमल्स, तो वो एनिमल्स धीरे धीरे क्या होने लगे, वो लोग नष्ट होने लगे और उनका ज़्यादातर फेस वो नष्ट होने के बाद वो दिखाई भी ज़्यादा नहीं देते, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। बोजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बोजो ने क्या याद दिलाया, डायनासोर के बारे में याद दिलाया और क्या कहा कि लॉन्ग टाइम के पहले उसका क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, उसका क्या हो गया, विलुप्त हो गया वो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 7.5 वाइल्ड बफेलोस। तो वाइल्ड बफेलोस की फिगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, वाइल्ड बफेलोस कैसे दिखाई देता है वो। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो भी आधे जो एनिमल्स है सर्वाइव रह रहे तो उसका सर्वाइव करना भी वहाँ डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी उसका जो स्थान है नेचुरल के वहाँ पे वो आवास करते हैं, तो वो में वहाँ क्या होता है, काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए काफ़ी एनिमल्स को सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 7.6 बारा सिंगा, तो इस फिगर में
देख सकते हो कैसे दिखाई देते हैं वो। प्रोफेसर एमर टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज इन ऑल नेशनल पार्क। तो प्रोफेसर एमडन ने क्या कहा कि जो भी ऑल द नेशनल पार्क है उसमें क्या स्ट्रिक्ट रूल्स है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को टोटली प्रोटेक्ट किया जाने का स्ट्रिक्ट रूल्स सब नेशनल पार्क में ही। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग पोचिंग हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो ये सब चीज़ें नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है वो ग्रेसिंग है पोचिंग है हंटिंग है कैप्चरिंग है ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल प्लांट्स है वो इस नेशनल पार्क में क्या है अलाउड नहीं है। माधव जी टेल्स पहली डेट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने किसको कहा पहली को कहा कि जो भी स्मॉल एनिमल्स है वो मच मोर इन द डेंजर ऑफ बिकम द एक्सटिंक्ट देन बिगर एनिमल्स। तो स्मॉल एनिमल्स है तो उसका विलुप्त होना बड़े एनिमल्स से क्या है डेंजर है। स्मॉल एनिमल्स ही ज़्यादातर विलुप्त हो जाते हैं बड़े एनिमल्स से पहले। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स फ्रॉग्स लिजर्ड बैट्स एंड ओवन रूटलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारा तो हम उस फ्रॉग्स को लिजर्ड को बैस को ओवल को कोई भी रियलाइज किए बिना उसको इम्पोर्टेंस समझे बिना हम इसको क्या कर डालते हैं किल कर डालते हैं उसको मार डालते हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवर सेल्स। तो उसका किलिंग करने के किसको नुकसान होगा हम हमको नुकसान तो होगा ही। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। तो उसकी वो साइज में स्मॉल है पर पूरे इकोसिस्टम में उसका जो रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। तो क्लास 7 में हमने लर्न ही किया था तो किसका पार्ट है फूड चेन से फूड वेस्ट का वो पार्ट है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद एन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट सॉइल रिवर्स डेल्टास एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम किससे बनता है तो उस एरिया में जो भी प्लांट्स है एनिमल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे एन जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है क्लाइमेट है सॉइल है रिवर डेल्टा से उसके इकोसिस्टम बनता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।